आज अपने पास है महिंद्रा थार, वो भी रॉक्स एडिशन के साथ। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे। अपने पास मिडल वेरिएंट है, जो ये वेरिएंट है सभी लोग इस वेरिएंट को ही खरीदेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं तो चलिए दिखाता हूँ फटाफट से। अब बात कर लेते हैं फ्रंट फेस की। तो यहाँ पर आपको DRL मिल जाता है, सी शेप के बीच में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिए गए हैं। तो भाई प्रो अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड महिंद्रा आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रंट ग्रिल में, और फ्रंट ग्रिल पूरी ही बहुत ही बेटर लगती है। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर एक आपको जाली से लगा के देती है कंपनी। अगर हम बात करें इसके बम्पर की, तो बम्पर भी आपको डबल शेड में मिलता है, मैट ब्लैक का भी यूज़ किया है और यहाँ पर आपको सिल्वर ग्रे का भी यहाँ पर यूज़ किया है कंपनी। तो फ्रंट सेंसर भी आपको मिलता है, तो पार्किंग में भी कोई इशू आने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको फॉग लाइट भी मिल जाती है इस वेरिएंट में। इस मॉडल में आपको लेवल 2 एडास नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थार रॉक्स एडिशन का यहाँ पर एक बैजिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई 18 इंचेस के अलावा आपको मिलते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो भाई डिज़ाइन लुक जो है इसका पहले जैसे ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो भाई पहले से बढ़िया लग रहा है अलॉय। और टायर साइज़ की बात करें तो सेम ही है। यहाँ पर आपको ग्लेडिंग पे इंडिकेटर मिल जाता है पहले जैसे ही, और VMs आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर कोई कैमरा नहीं मिलने वाला क्योंकि टॉप एंड में ही 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। अब आप साइड प्रोफाइल देखोगे अगर, तो भाई यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी जो है वो उठी हुई आपको यहाँ पर दिखती है। और भाई ये इसलिए किया गया है ताकि आपको बेटर हेड स्पेस मिल पाए, जिसकी वजह से आपका जो सारे ऊपर ना टकराए। और यहाँ पर देख सकते हो भाई डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं, जो कि बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं आपको, और रियर साइड में बॉडी कलर में मिलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने भेदभाव किया है, आप कमेंट में बताना क्यों किया। अच्छा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपने फुट स्टेप है, ये आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है क्योंकि गाड़ी की हाइट बाकायदा बहुत ऊँची है। और ऊँची होने की वजह से फुट स्टेप तो भाई इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट लगा के ही देना पड़ेगा आपको। 18,99,000 रुपये में आपको ये गाड़ी मिलती है। अगर ऑन रोड की बात करें तो भाई 23 लाख रुपये तक ये गाड़ी आपको जाने वाली है, मतलब गाड़ी मिलेगी आपको 23 लाख रुपये में। और महिंद्रा को आप जानते हो काफ़ी बिल्डिंग आपको मिलने वाली है। अगर अभी गाड़ी बुक करोगे तो भाई नए साल में यानी 2025 में ही गाड़ी आपको ये मिलने वाली है। नो डाउट गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही बेटर लगता है। और गाड़ी का जो हाइट की अगर बात करो तो हाइट भी अच्छी खासी रखी गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी हाइट भाई 6 फीट है। अब देख सकते हो मेरी हाइट से भी ऊंची हाइट लगती है इस गाड़ी की। तो हम देखो कि भाई गाड़ी का लुक तो है, लेकिन रियर साइड में यहाँ पर कंपनी ने भेदभाव कर दिया। यहाँ पर आपको स्टील रिम मिल रहा है। हाँ हालांकि इस गाड़ी में छोटी सनरूफ तो मिल ही रही है, लेकिन एक जो फीचर है जो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग यहाँ पर दिखाई है भाई, कवर सा लगा दिया और बता रहे हैं कि भाई थार रॉक्स जा रही है क्योंकि यहाँ पर आपको लोगो भी मिल जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टील रिम मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके साथ धोखा। थार का जो रियर लुक है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, अलॉय की वजह से। और यहाँ पर आपको अलॉय नहीं मिल रहा है, स्टील रिम मिलता है। तो भाई ये आप देख सकते हो 18,99,000 देने के बावजूद भी आपको स्टील रिम मिलता है। अगर भाई बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको कंपनी ऑफर करती है, जो कि पहले जैसा ही रखा गया है। लेकिन भाई इस प्राइस रेंज में अगर आप सेल्टॉस, क्रेटा और भी जैसे ग्रैंड विटारा या हाई राइडर खरीद रहे हो, तो भाई ये गाड़ी खरीदनी चाहिए क्योंकि अपने इंडियन रोड के हिसाब से इसे परफेक्ट बनाया गया है। 20-21 लाख रुपये खर्चा अगर कर रहे हो दूसरी गाड़ियों पर, तो भाई ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें आपको भाई कंफर्ट भी मिलने वाला है और आपको एक लुक भी मिलने वाला है, और पैसा आपका अगर खर्चा हो रहा है तो एक वर्थ भी दिखेगा। अच्छा भाई जो क्वार्टर पैनल की अगर हम बात करें, तो काफ़ी लोगों ने क्वार्टर पैनल के बारे में बताया है, ये डिज़ाइन काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। अगर ये डिज़ाइन नहीं होता तो भाई सब लोग ये कह रहे थे, अगर ये स्क्वायर शेप में होता तो सभी लोग ये कह रहे थे कि क्या हो जाती, ये जीप रैंगलर बन जाती। तो भाई देखो यहाँ पर अगर आप एक रैप लगा दोगे या फिर यहाँ पर अगर आप रैप लगा दोगे, यार कुछ लोग तो कह रहे थे, जैसे अपने अरुण पवार भाई कह रहे थे कि भाई मैं अगर गाड़ी लूँगा तो यहाँ से इसको कटवा दूंगा और इसको ब्लैक कर दूंगा, तो भाई अपनी जो गाड़ी है वो बन जाएगी रूबीकॉन। अब बात कर लेते हैं इंजन ब्रेक की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई पुराना इंजन आपको मिल जाता है, 2.2 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, 2.0 का आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। अब चॉइस इज योर, आपको कौन सा मॉडल लेना है। अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी इसमें डाली नहीं है, पुरानी ही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की है कंपनी ने। यही इंजन आपको स्कॉर्पियो में भी मिल जाता है, और यही इंजन आपको थार भी मिल जाता है। और हॉर्न की बात करें तो हॉर्न भी बिल्कुल पहले जैसा ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। एमरॉन की आपको यहाँ पर बैटरी कंपनी ऑफर करती है। भाई काफ़ी सारे कलर ऑप्शन के साथ महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया है, लेकिन ये कलर काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर आपको ये कलर अच्छा लगता है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। तो रगेड फील पूरी ही आएगी आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर पूरा ही रगेड फील यहाँ पर महिंद्रा ने लाने की कोशिश करी है, और वाकई में लग भी रही है। गाड़ी का जो लुक है बहुत बेटर लग रहा है।
काफ़ी लोग कह रहे हैं ना कि भाई गाड़ी को आफ्टर मार्केट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई गाड़ी तो जब तक ये गाड़ी आफ्टर मार्केट नहीं जाएगी तब तक ये थार नहीं कहलाएंगी। भाई महिंद्रा ने सारे ही ऑप्शन आपको दिए, चाहे पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो। डीजल इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा, पेट्रोल की बात करें तो 2 लीटर का आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल जैसे सारी ही चीज़ें आपको मिलने वाली है, 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव। अब महिंद्रा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है इसकी। अभी तक जहाँ पे भी हम खड़े हैं इस शोरूम में, अभी हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं, भाई यहाँ पे 150 से 200 बुकिंग हो चुकी है वन डे में और गाड़ी डिलीवर होने वाली है 4 फरवरी के बाद। अगर किसी को लेना है तो पहले से ही गाड़ी बुकिंग करके रखना क्योंकि वेटिंग होने वाली है, क्योंकि महिंद्रा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है अपनी वेटिंग पीरियड के लिए। तो चलिए बूट स्पेस एक बार ओपन कर लेते हैं। तो पहले की तरह ही आपको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप एक ग्लास को ओपन करते हैं तो वाइपर भी आपके साथ ऊपर चला जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक पैकेट मिल जाता है। तो भाई जो पहले जो कमी थी वो कंपनी ने पूरी कर दी है। तो बंद करने का तरीका यही है कि पहले ग्लास बंद होगा, उसके बाद आपका जो बूट है वो बूट बंद होता है। यहाँ पर सी टाइप आपको टेल लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, रियर साइड में आपको सेंसर मिल जाते हैं और कैमरा आपको आपके स्टेफनी के ऊपर ही मिल जाता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। बहुत लोगों को रियर साइड का जो लुक है वो पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का, छोड़ो भाई प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। साइड ग्रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो पहले आपको इतनी ग्रेटिंग्स मिलती थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने इसकी ग्रेटिंग्स को बढ़ा करके थोड़ी बड़ी कर दी, जिसके वजह से गाड़ी का जो लुक आए वो काफ़ी ब्रॉड आए। अभी हम बैठे हैं महिंद्रा रॉक्स में और ये जो वेरियंट हम बैठे हैं इस वेरियंट का बात कर लेते हैं। इसका नाम है MX5 और MX5 वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको लेदर ग्रिप मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिलने वाला, लेकिन ग्रिप आपको अच्छी खासी मिल जाती है। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 10.25 इंच का यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। और हम बात करें क्या क्या सपोर्ट करेगा तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मिड वेरिएंट में पूरी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऊपर थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर IRVM आपको ऑटो डिमिंग फीचर के साथ मिलता है, जो कि बेजललेस मिलता है, मतलब पूरा ये जो फ्रेम है इसका आपको फ्रेम नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है, सनरूफ बहुत बड़ी नहीं मिलती है आपको, पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी सनरूफ मिल जाएगी, लेकिन आपका काम चल जाएगा भाई इसमें। और उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जिनके कलर आपको व्हाइट मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीकर और माइक दोनों चीजें मिल जाती है जो कि रूफ पर लगी हुई है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। एसी वेंट्स की अगर बात करोगे तो पहले जैसे ही एसी वेंट आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ड्राइव मोड मिल जाता है। और भाई यहाँ पर नई चीज ऐड करी है, यहाँ पर देख सकते हो कि 15 वाट का आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है और टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट 15 वाट का मिलता है, ये आपको नॉर्मल मिलता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है, 4x4 लीवर हटा के यहाँ पे आपको फोन रखने की स्पेस मिल जाती है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो डीजल ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलने वाला है। मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट के अंदर भी एक छोटी सी स्पेस आपको मिलने वाली है। ओवरऑल इंटीरियर की अगर बात करें तो इस वेरिएंट के इंटीरियर आपको पूरे ही व्हाइट मिलते हैं। अगर इंटीरियर की बात करें तो पूरा ही इंटीरियर आपको व्हाइट कलर के मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी खराब होने वाले हैं। तो भाई जल्दी से अगर कोई भी घर ये गाड़ी लेगा तो भाई गाड़ी को आपको बहुत केयर करके रखनी पड़ेगी। ग्लो बॉक्स की अगर बात करें तो भाई बहुत ही छोटा सा ग्लो बॉक्स दिया गया है, जैसे कि पहले आपने देखा था बहुत ही छोटा ग्लो बॉक्स मिलता है। लेदर सीट कवर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे पहले जैसे ही विजिबिलिटी मिलती है आपको बाहर की तरफ। तो चलिए पीछे देखते हैं भाई पीछे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। अब आ चुका है रियर प्रोफाइल में, तो भाई अगर हम बात करें सेकंड रो की तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। जो सीट जो है भाई इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सीट काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। देखो मैं सर के दिखाता हूँ आपको, 40-60 जो सीट है आपको फोल्डेबल मिल जाती है। तो यहाँ पर अपना जो आपका जो बूट स्पेस है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेगरूम अच्छा खासा मिल जाता है, हेडरूम की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि इसका जो ऊपर का शेप है अरमाडा जैसा बना दिया गया है, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी हाइट मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको आपकी रीडिंग लाइट मिल जाती है, इसका कलर भी आपको व्हाइट मिलता है। रियर विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ये पिलर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका काम चल जाएगा भाई पीछे बैठने के बाद भी। और पीछे बैठने वाले को क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है चेक कर लेते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे अपना फोन रख सकते हो
और लेदर सीट कवर आपको पूरी गाड़ी में मिलते हैं, तो फ्री भी आपको पॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पर हेडरेस्ट भी दिया गया है, जिसका जो मटेरियल की अगर हम बात करें तो काफी सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पर कंपनी ने यूज करके दिया है आपको। अगर पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीच में आपको आर्मरेस दिया गया है, इसके मटेरियल की अगर बात करें तो काफी सॉफ्ट रखा गया है, काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और कप होल्डर आपने कई गाड़ी में देखा होगा कि ब्लैक कलर का मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटीरियर से मैच करके कंपनी देती है तो व्हाइट कलर का आपको मिल जाता है। अच्छा खासा आपको यहाँ पर भाई मजा आने वाला है। अच्छा एक चीज यहाँ पर कंपनी ने ऐड करी, यहाँ पर सब ऊपर आपको लगा के दिए, जो पिछली वाली थार थी उसमें भी आपको यहाँ पर मिलता था, लेकिन अभी इसकी जो लोकेशन वो पीछे कर दी गई है। यहाँ पर आप अपने सीट बेल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। SRS एयरबैग मिलते हैं, सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, ऐसी वीडियो दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार जी।